एक दोस्त है इनकम टैक्स कमिश्नर, उससे मैं कई बार पूछता हूँ कि तुम करते क्या हो साल में, तो कहता 25,000 करोड़ का इनकम टैक्स वसूलते हैं। मैंने कहा 25,000 करोड़ के इनकम टैक्स में ये बताओ कि पब्लिक सेक्टर की भारत सरकार की कंपनियों का कितना, तो कहते 15,000 करोड़। अब आप देखिए 15,000 करोड़ तो इस देश की राष्ट्रीय कंपनियों का है, उसको वसूलने में क्या लगना है, वो तो सरकार की एक जेब से निकल के दूसरी जेब में जाने वाला है, तो उसमें तुमने कौन सी बहादुरी करी है जो तुम वसूलने की बात करते हो। प्राइवेट कितने वसूलते हो, तो कहते हैं 10,000 करोड़। मैंने कहा 10,000 करोड़ का तुम पैसा वसूलते हो प्राइवेट, जिसको हम इनकम टैक्स कहें, इसमें से खर्चा कितना करते हो। तुम्हारे देश में जो पूरा इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट है, उसमें जो पलने वाले बड़े बड़े मगरमच्छ जैसे ऑफिसर है, इनकी तनख्वाह पर खर्चा क्या होता। तो कहने लगा अगर पूरे डिपार्टमेंट का तुम एक्सपेंडिचर सुनोगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब मिला के, तो साल भर में कुछ 3,000 करोड़ रुपए का खर्चा। तो मैंने कहा एक्चुअल कलेक्शन कितना है फिर, 7,000 करोड़ का। तो मैंने कहा 7,000 करोड़ की सब्सिडी क्यों नहीं देते देश, माने क्या है 7,000 करोड़ माफ क्यों नहीं कर देते। कहने लगा बात तो तुम्हारी समझ में आती है। मैंने कहा फिर तकलीफ क्या है इसको लागू करने में, तो कहने लगे मेरी कुर्सी का क्या होगा। मैंने कहा तुम्हारी कुर्सी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे इनकम टैक्स के 1,00,000 के ऑफिसर्स कितने, तो पूरे देश में 3,200 ऑफिसर्स हैं। तो मैंने कहा इन 3,200 ऑफिसर्स को हम हाथ में हल पकड़ाएंगे और खेत में जोत कर जीविका चलाएंगे ये अपनी। कहने लगा क्यों। मैंने कहा तुमको मालूम नहीं है कि कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है, चूंकि तुमको मालूम नहीं है कि कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है, इसलिए दूसरे के खून पसीने की कमाई पर तागर भिंगरने की तुम्हारी आदत पड़ गई है। तो तुमको मालूम होना चाहिए कि कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हल जोतो खेत में, जीविका मिल जाएगी इस देश में, क्योंकि धरती माता बहुत देती है, 2 जून की रोटी तो मिल ही जाएगी तुमको। तो कि बात कुछ समझ में आ रही है। मैंने कहा इससे भी ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण बात जो समझनी चाहिए तुमको ये, मैंने उसी से पूछा कि तुम ये बताओ कि तुम्हारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कानूनों के कारण ब्लैक मनी कितना जनरेट होता है एक साल। तो कहने लगा लगभग 1,50,000 करोड़ का। तो मैंने कहा जब तुम्हारा डिपार्टमेंट खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, तो ये सब मनी व्हाइट हो जाएगा। तो अभी जब तुम्हारा डिपार्टमेंट है तो उसके कारण मेरे देश का 1,50,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, माने वो 1,50,000 करोड़ व्हाइट में नहीं है, ब्लैक में है।